नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू जीजू। ला 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 ला। अरे इतनी जल्दी आ गए तुम? कैसे लड़के हो तुम? हाँ? ये अंदर कैसे आ गया? ए? तुम अंदर कैसे आ गए? हाँ? मैं कैसे भी आ सकता हूँ? हाँ? ये अंदर कैसे आया? कल जाते वक्त मैंने सब दरवाजे अच्छे से बंद किए थे। खिड़की से अंदर आ गया होगा। हाँ? हाँ? पर खिड़कियां भी तो बंद है। ए? तुम अंदर कैसे आए? हाँ? मुझे खिड़की विड़की से कोई मतलब नहीं, दरवाजा बंद हो या खुला हो, जब मुझे आना है मैं आ ही जाऊंगा। अरे ये कैसी अजीब बात कर रहा है? ए, ए, सुनो, तुम क्या फालतू की बातें करते रहते हो? अरे यार तुम बेकार में टेंशन मत दो, तुम बार बार अंदर आके मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ए, तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो? मुझसे ना मेरे पिताजी भी प्यार नहीं करते, तुम क्या करोगे? तुम्हारे पिताजी के पसंद की चीज तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन हाँ मेरी पसंद की चीज तुम्हारे पास है। अरे ए, 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 कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम तो एकदम सलमान खान की तरह हो। ए, सलमान खान की तरह? सलमान खान, तुम्हें क्या लगता है मैं खुश हो जाऊंगा? मेरे दोस्त क्या कहते हैं पता है? वो लोग कहते हैं स्लिम और ट्रिम होने की वजह से मैं शाहरुख खान लगता हूँ, शाहरुख खान की तरह। शाहरुख खान हो या सलमान खान, बाइक कितनी भी अच्छी हो, रोड पे वो कैसी चलती है ये जरूरी होता है। ए, ए, सुनो सुनो, तुम फालतू की बातें करना बंद करो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ कोई दोस्त नहीं आना चाहेगा। अच्छा सुनो, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, तुम सिर्फ उसका जवाब दो। तुम अकेले क्लास आते हो, अकेले चले जाते हो, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होता, क्या बात है? मेरी किसी से पटती नहीं है। तुम्हारी किसी से पटती नहीं है? सच सच बताओ तुम कौन हो? अरे ये कहाँ गया? ए, कहाँ चले गए? ए, भाई, अरे आ जाओ। अरे कहाँ चले गए? मैं भूत हूँ, तुम्हारा अपहरण करने आया हूँ। भूत हो? अरे हेलो, कहाँ हो भाई? अरे वो भूत है तो क्या हुआ, आने दो उसे, रोज आके परेशान करता है। अरे किसने मेरे पास भेजा है उसे? अरे छोड़ूंगा नहीं उसे। मेरा घर कहाँ चला गया? हैं? यही रोड पर तो था, मैं कंफ्यूज हो गया है यार। ए, मुझे कहाँ जाना है? अरे कहाँ चला गया मेरा? ए हेलो, स्टॉप 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 स्टॉप, ऐसे प्लीज मेरे घर तक छोड़ दो कि मुझे। बैठ जाओ। थैंक यू दोस्त, यही खड़े रहो, हिलना नहीं, डोंट मूव। ओके मैं बैठ गया। जय बजरंगबली, लेट्स मूव। ए गुरु, गाड़ी में बॉडी नहीं है। हेलो। अरे बॉडी मिल गई यार। जय बजरंगबली, लेट्स मूव। ओके आराम से भाई। अरे अभी तो रास्ता मिला है, चलो चलते रहो, सीधा चलो। बस यहाँ था। आ गया। क्या आ गया? घर आ गया। क्या? थैंक यू, आ गया। ए घर कहाँ है भाई? इस तरफ। अरे ए, ये कहाँ ले आया भाई? ये मेरा घर नहीं है। तुम्हें जहाँ जाना है वो जगह यही है। मुझे इसी जगह पर आना था क्या? अरे यार तुम्हें कैसे पता है? अरे तुम तो वही हो। अरे यार क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो मुझे। अरे जाता कहाँ है? अरे छोड़ दो। अरे नहीं, अरे छोड़ दो मुझे। चलो Huh?
सब क्या है? ये सब बॉक्स में किसने रखा? श्वेता, 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 मैं अकेली हूँ, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारे शरीर में रहना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है, आजा, आजा। स्वाति, क्या कर रही हो? मुझे देर हो रही है। एक मिनट में आ रही हूँ। श्वेता अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? देखती हूँ। छोटी बच्ची की तरह बॉक्स के पीछे पड़ गई हो? चलो नाश्ता कर लो, देर हो रही है। दीदी, मुझे आज कॉलेज से लौटने में देर हो जाएगी। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। तुम शाम का शो देखने जाओगी तो तुम्हें आने में देर हो जाएगी। आफ्टरनून का शो देख लो। दीदी, दोपहर को क्लास है इसलिए शाम को जा रही हूँ, और अकेले थोड़ी ना जा रही हूँ, फ्रेंड्स होंगे ना मेरे साथ। दीदी, जाने दो यार, फ्रेंड्स के साथ जा रही है, अब ये बच्ची थोड़ी ना है। छोटी बच्ची नहीं है इसीलिए बोल रही हूँ। इस उम्र में लड़की को इतनी छूट देना ठीक नहीं है।
कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये लीजिए कॉफी। स्वाति, आजकल कॉलेज के दोस्तों के साथ बाहर घूमना कॉमन बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, उसे लाइफ एंजॉय करने दो। इस घर में मेरी बात कोई नहीं सुनता। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। थैंक यू जीजू। ये क्या है? इसे मत छूना। क्या है इसके अंदर? क्या है ये? है किस? मैंने कहा ना इसे मत छू। श्वेता, साथी। ए, क्या कर रही हो तुम? तुमने इसे धक्का क्यों दिया? मैंने क्या किया जीजू? ए! दीदी, मुझे कुछ हो गया था दीदी। I'm very sorry दीदी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं श्वेता, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, ऐसी बातें मत बोलो। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। दीदी, तुमने मूवी जाने से मना किया था ना, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। लेकिन तुम मुझसे नाराज मत होना दीदी। ऐसी बातें मत कर पगली, तू तो मेरी बहन है, एक तू ही तो मुझे अच्छी तरह समझती है श्वेता, तू मेरी जिंदगी है पगली। स्वाति, I'm sorry जीजू। आखिर इसे हुआ क्या था? यार श्वेता, हमारे कॉलेज में भूत, प्रेत, आत्मा ये सब नहीं है, ये सारी बातें झूठ हैं। अपने प्रोजेक्ट में तुमने साबित किया था, उसके बाद भी तुम्हारे फेस पे ये डर क्यों है? I just can't believe this। नहीं रूपा, मेरे अंदर क्या चल रहा है तुझे समझ में नहीं आएगा। मुझे उस घर में पता नहीं कुछ अजीब सा अनुभव हो रहा है, उस घर में मुझे डर लगता है, मैं बहुत अनकंफर्टेबल होती हूँ। ठीक है यार, वहाँ क्या हुआ था सब बता, मैं सुनने को तैयार हूँ। मुझे क्या हो रहा है मेरी भी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, किस वक्त मैं क्या बोल जाती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता। जब मैं अकेली होती हूँ तो ऐसा लगता है कोई अजनबी मेरे साथ है, सबके साथ होते हुए भी अकेलापन सा महसूस होता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। श्वेता, ऐसा कुछ नहीं होगा यार, तुम अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर में आई हो इसलिए शायद ऐसा लग रहा है। दरअसल बात ये है, तुम इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत टेंशन ले रही हो इसलिए ये सब हो रहा है। कोई भी बात को आराम से सोचो और फालतू की सोच दिमाग से निकाल दो। वो बात नहीं है रूपा, नया घर तो ठीक है पर ऐसा लगता है कि वहां पर मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है। रूपा, मुझे क्या हो गया है यार? अरे मेरी माँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, चलो मूवी के लिए देर हो रही है, आजा। ए, तुम लोग भी चलोगे या यहीं पे टाइम पास करते रहोगे? आ रहे हैं यार हम लोग। रूपा, ये क्या मुझे फोन कर रही? हेलो रूपा। सुनो प्रवीण, तुम जल्दी से कॉलेज आ जाओ प्लीज, जल्दी आओ। हेलो रूपा, हेलो। तीनों कहाँ चली गई? कुछ समझ नहीं आ रहा। ए मंजुल, रूपा का फोन था, कॉलेज में बुला रही है, चलना यार। ए मैं नहीं आऊंगा, मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम चले जाओ यार। ये क्या, हमारे शटल कोर्ट में भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। श्वेता, क्यों इतनी जल्दी यहाँ आने को कहा? रूपा को कुछ हो गया है, चलो। क्या हो गया उसे? चलो 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 प्रवीण। कहाँ जाना? आ जाओ, आओ ना ऊपर ऊपर आओ। ये आवाज कैसी? मुझे नहीं पता, आओ प्रवीण, आओ आओ प्रवीण, आओ। Thank you.
श्वेता, रूपा कहाँ है? वहाँ है। उसे क्या हो गया? बोलो। मुझे कुछ नहीं पता। रूपा, रूपा, रूपा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, छोड़ो। स्टूपिड, सुन, 100 रुपए की टिकट खरीद के थिएटर में सोना जरूरी है क्या? मंजुल, क्या है? तुझे पता है क्या हुआ? क्या हो गया? श्वेता और रूपा मुझे मोहिनी की तरह लग रही थी यार। वो मोहिनी तो मैं यमराज जग रहा हूँ क्या? चल, पिक्चर खत्म हो गई है। मोहिनी लग रही है इसे। श्वेता, उस पागल प्रवीण को रूपा मोहिनी की तरह लग रही थी यार। तो क्या करें? वो बात नहीं है, तुम भी उसे मोहिनी की तरह ही लग रही थी यार। क्या हुआ श्वेता, तुम क्यों शांत हो गई? ये शमशान, मौन, रुद्र, भयानक जगह देखकर डर लग रहा है क्या? यहाँ की आवाज बहुत अच्छी लगती है, यहाँ की बुरी शक्तियां मन को भा रही हैं। इस सुनसान जगह पर अगर चिल्लाने की आवाज सुनाई दे तो ये दुनिया में किसी को भी डरा सकती है।